जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, देश के सीआरपीएफ जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से निकलकर आए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में तैनात सीआरपीएफ का प्रतापगढ़ का निवासी प्रकाश नारायण शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर मिलते ही घर पर मातम का माहौल बन चुका है। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। आज सीआरपीएफ के शहीद जवान प्रकाश नारायण का सीआरपीएफ के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक घर पर लाया गया, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान का अंतिम संस्कार किया गया। सीआरपीएफ में तैनात प्रतापगढ़ का निवासी जवान प्रकाश नारायण की शनिवार को 9 मार्च 2024 को हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। जवान प्रकाश नारायण के हार्ट अटैक उस वक्त आया जब वह मैदान में पीटी कर रहे थे। प्रकाश नारायण की तैनाती छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गिदनाला कैंप में 226 बटालियन में तैनात था। सीआरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि सुकमा जिले के गिदनाला कैंप में 256वीं बटालियन सीआरपीएफ में पदस्थ यूपी का प्रतापगढ़ का निवासी प्रकाश नारायण कैंप के अंदर ही पीटी कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उसे सीने में दर्द होने के कारण मैदान में गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जवान का शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला के अस्पताल में सुकमा में लाया गया था, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद एम्बुलेंस के लिए मेकाज भेजा गया। 20 मिनट के बाद बताया जाता है कि एम्बुलेंस प्रक्रिया करने के बाद शहीद जवान का उनके पार्थिव शरीर पैतृक घर पर भेज दिया गया, जहां पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान प्रकाश नारायण का अंतिम संस्कार किया गया। आप सभी को बता दें कि यह जवान बीते कई वर्षों से लगातार सीआरपीएफ में शामिल होकर देश की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान देश की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ के सुकमा में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से शहादत हो गई थी। शहादत से पूरे घर परिवार पर रो रो कर हालत बुरा बन चुका था। आज शहीद जवान के सीआरपीएफ के विशेष वाहन से पार्थिव शरीर के पैतृक गांव में लाया गया, जहां पर हजारों दस हजारों की जनसैलाब उमड़े थे और सभी हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम, जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद सीआरपीएफ जवान प्रकाश नारायण तेरा नाम रहेगा, नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक इलाका। शहीद जवान के पूरे राजकीय सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद जवान प्रकाश नारायण अपने पीछे सारे परिवार को छोड़कर मात्र 47 वर्ष के उम्र में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को आहुति दे दिए हैं। शहादत से पूरे घर इलाका पर गमगीन का माहौल बन चुका था। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है। अगर शहीद जवान सीआरपीएफ प्रकाश नारायण के लिए आप लोग को जरा सा रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं भगवान से सादर विनती प्रार्थना करता हूँ, शहीद सीआरपीएफ जवान प्रकाश नारायण का आत्मा को शांति मिले और इस दुख के घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहने की सहन शक्ति मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।